स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। सिहोरा मझगवा मार्ग पर ग्राम नुंजी के पास कल लोडिंग ऑटो और हाईवा की टक्कर में घायल हुए दो मरीजों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर की जगह राइट टाउन स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर 108 एम्बुलेंस सेवा के दो ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सहित तीन कर्मचारियों को कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस दुर्घटना में घायल हुए 11 मरीजों में से दो को सिविल अस्पताल सिहोरा से मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन 108 एम्बुलेंस चालक और स्टाफ द्वारा इन्हें मेडिकल कॉलेज के स्थान पर राइट टाउन स्थित मोहनलाल लाल हरगोविंद दास हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इस निजी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराने के पहले 108 एम्बुलेंस सेवा के स्टाफ द्वारा मेडिकल कॉलेज में इन घायलों की पर्ची भी कटवाई गई, लेकिन उन्हें वहां न ले जाकर मोहनलाल हरगोविंद दास अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों के इस कृत्य की जानकारी मिलने पर कल रात को ही इस मामले में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। एम्बुलेंस संचालकों और निजी अस्पतालों की मिलीभगत के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इसकी पूरी जाँच करने के निर्देश भी चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। बताया गया है, इस मामले को दृष्टिगत रखते हुए निजी अस्पतालों एवं एम्बुलेंस चालकों के बीच सांठगांठ की जांच भी कराई जाएगी। हाँ, कल एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 11 लोग जो हैं घायल हुए हैं। सभी घायलों को सरकारी खर्चे पर उपचार उनका कराया जा रहा है और जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना निधि से और संबल योजना के तहत जो भी पात्रता होगी उसके अनुरूप भी हम सहायता देंगे। एम्बुलेंस लेकर के कुछ? हाँ, एम्बुलेंस को लेकर कल एक तथ्य सामने ही आया कि एम्बुलेंस से वहाँ 4 मरीजों को रवाना किया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए और एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज पहुँची नहीं, कई घंटे तक नहीं पहुँची, जबकि हमारी वहाँ पूरी टीम तैयार थी, SDM तैयार थे, डॉक्टर्स तैयार थे। जब उनकी लोकेशन निकलवाई गई, जाँच कराई गई, तो पता पड़ा कि वो उनको बजाय मेडिकल कॉलेज पहुँचाने के उन्होंने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको पहुँचा दिया। प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई विधि विरुद्ध है, इसकी हमने स्टेट लेवल पर भी बात की और डिविजनल लेवल पर भी बात की। उन्होंने बड़ा गंभीरता से इस विषय को लिया और 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है और 2 अधिकारियों को जो है सोकाज नोटिस जारी किया है। इस मामले को हमने भी गंभीरता से लिया है कि यदि डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया है तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाना इस बात की आशंका करता है कि शायद कमीशनखोरी के चक्कर में कृत्य किया गया है। हमने जिला स्तर से हम एक ADM की अध्यक्षता में एक जाँच दल गठित कर रहे हैं और न केवल इस मामले की बल्कि इस तरह के कोई दूसरे मामले भी हैं तो उनकी गहनता से जांच करेंगे।